ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनी का यस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि जैसे हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है 16 जून को, तो चलिए आज के सेशन में अपन बात करते हैं कि लास्ट अपन को 1 से 1.5 महीने में प्रीलिम्स के पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे जो हमारी तैयारी है वो और बेहतर हो सके और हम कॉन्फिडेंटली पेपर दें। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कुछ नया ना पढ़ें। सो डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, जस्ट स्टिक टू द बेसिक कंसेप्ट व्हाट यू हैव रीड टिल नाउ। जो आपने अभी तक पढ़ा है, सो फार आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आप उसी तक पे स्टिक रहें। आप सोचें कि यार मेरा ये तो छूट ही गया, मैं इसको भी पढ़ लूँ, मैं उसको भी पढ़ लूँ, इकोनॉमिक्स में मैंने ये छोड़ दिया, पॉलिटी में मैंने ये छोड़ दिया, तो भाई अब समय नहीं रह गया कि अपन सोचें कि ये छोड़ दिया, इसको भी कवर करें, इन्वायरमेंट में ये छूट गया, तो अब छोड़ो उसको, जो छूट गया वो छूट गया, जो हमारे हाथ में है अपन उसको देखते हैं, अपन उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, और जो हमारे हाथ में उसमें से भी अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप इनको पकड़ के चलें। अब जैसे कोई कहेगा सर मेरा हिस्ट्री वीक है बट मेरा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो लास्ट टाइम में आप ये तो नहीं कर सकते कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। तो जो अपनी स्ट्रेंथ है अपन उस पर ध्यान देते हैं कि जो बेस्ट है अपना उसको अपन कैसे परफेक्ट करें जिससे हमारी गलतियां ना हो पेपर में। सो एनालाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज। अब आप एनालाइज कैसे करेंगे? आप एनालाइज कर सकते हैं इम्पोर्टेंट एरियाज को बाय लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो PYQs हैं, आप उन पेपर्स को एनालाइज करो। आप पिछले 5-6 साल के पेपर उठा लें और देखें कि UPSC ने पूछा क्या है, और UPSC ने उस पर थोड़ा सोचे कि UPSC ने हिस्ट्री से क्या क्या पूछा है, इकोनॉमी से क्या क्या पूछा है, ज्योग्राफी से क्या क्या पूछा है, उसमें से मतलब सबसे ज़्यादा किन टॉपिक्स पे फोकस रहा है, तो आप उन टॉपिक्स को और अच्छे से प्रिपेयर करें। सो यू शुड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डू द एक्टिव रिविजन्स ऑफ द टॉपिक्स यू थिंक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप उनकी लिस्ट बना लें, उनका आप बार बार रिविजन करें, बार बार उनको घोल के पी लें और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो वाले जो UPSC के जो हैं, रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो नहीं जो कोचिंग्स के जो मॉक टेस्ट हैं, आप उनको अभी ना लगाएं, पहले आप लगाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दें, फिर उसके बाद आप कोचिंग के मॉक टेस्ट को उठाएं, फिर आप कोचिंग के कुछ 5, 6, 10, 15, 20 जितने आपसे लग सकें उतने कोचिंग के मॉक्स लगाएं, प्रॉपर टाइम अलॉट करके कि 2 घंटे का टाइम स्टॉपवॉच से लगा के आप प्रॉपर कोचिंग्स के मॉक टेस्ट लगाएं। और जैसे पॉलिटी है, उसमें भी UPSC के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जैसे वो कुछ आर्टिकल जरूर पूछता है, जैसे 14, 19, 21, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो UPSC पूछता है पॉलिटी में, तो आप इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप इन पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि UPSC आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखती है, और इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप मॉक लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, तो उनसे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, आपके जो टॉपिक्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और आपको पता चलेगा कि UPSC क्वेश्चंस कैसे पूछती है और हमें उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। अब मॉक्स के लिए आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो करोल बाग चले जाएं, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जिस पे वेरियस कोचिंग्स के मॉक टेस्ट रखे रहते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको गूगल पे मिल जाएंगे, तो यू शुड सॉल्व एटलीस्ट 4 to 5 years ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये थी दो बातें कि स्टिक टू द बेसिक कंसेप्ट एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब तीसरा क्या है? तीसरा है कि आप जो CSAT है उस पर जरूर ध्यान देना, उसको लगाना नहीं भूलना, कि आप सोचें कि मेरा तो मैथ बैकग्राउंड है तो मैं CSAT की प्रिपरेशन नहीं करूंगा या CSAT पेपर्स को नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट एग्जाम को टैकल करूंगा, तो यू शुड थिंक अबाउट योर डिसीजन, क्योंकि UPSC साल दर साल जो CSAT है उसको टफ करती जा रही है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हो रहे हैं पिछले सालों के मुकाबले। तो जैसा आपने लास्ट ईयर का CSAT का एग्ज़ाम देखा भी था, उस पर भी बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई कि बहुत टफ है ये वो, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, UPSC जो डिमांड कर रहा है आपको अपने आप को उसके अनुसार ढालना पड़ेगा। तो अब इस लास्ट समय में आप कम से कम जो प्रीवियस ईयर CSAT के क्वेश्चंस हैं वो तो आपको लगाना ही है, और ट्राई टू सॉल्व बोथ GS एज वेल एज CSAT साइमल्टेनियसली। जैसे UPSC आपसे पूछती है, पहले हमारा जनरल स्टडीज़ के पेपर होता है फिर CSAT का होता है,
ऐसे ही आपको ट्राई करना है कि आप स्टॉप वॉच लगा के प्रॉपर पहले जनरल स्टडीज का पेपर दें, फिर सीसेट का एग्जाम दें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में 4-5 घंटे बैठना कैसे है, और आपका जो माइंड सेट है फिर उसी के अनुसार हो जाएगा। जब आप 2-4-5 ऐसे पेपर लगाएंगे कि पहले आप जीएस का लगा रहे हैं फिर सीसेट का, तो इन एग्जाम योर माइंड इज प्रिपेयर फॉर इट, आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। और दूसरा कि लास्ट समय में अब लगता है कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, आप अपने दिमाग को जितना हो सके कूल रखने की कोशिश करें, शांत रखने की कोशिश करें, पैनिक ना करें। अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको हम बदल नहीं सकते। और चौथा आप क्या कर सकते हैं, जैसे गूगल है या कहीं भी मार्केट में आपको अगर अवेलेबल हो जाए, तो आप OMR शीट जो आती है प्रॉपर, वो उनमें आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं उनकी OMR शीट भरने में गलती हो जाती है, और अगर आपने OMR शीट गलत भर दी तो फिर आपके पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। सो यू शुड प्रैक्टिस द OMR शीट। आप 2-4 पेपर OMR शीट के थ्रू लगाएं, अगर गूगल पे मिल रही है तो आप उसको प्रिंट करा लें, जिससे जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे गलती ना हो। और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखें कि आप ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ब्लैक बॉल पेन यूज़ करेंगे तो उसका आप ध्यान मत भूलना जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएं, कि अपने साथ ब्लैक पेन जरूर ले जाएं। और लास्टली आप क्या करें, जो आपका मतलब पढ़ाई का टाइम स्पेन है, जो जैसे आप दिन में 24 घंटे में 7 से 8 घंटे अभी पढ़ रहे हैं, तो अब लास्ट का टाइम रह गया, तो यू शुड इंक्रीज योर स्टडी टाइम। जो आपका सेटिंग है वो अब 9 से 10 घंटे का करें, अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 9 से 10 घंटे या जितना मैक्सिमम आप खींच सकते हैं, तो लास्ट समय में आप उतना मैक्सिमम खींचें और अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। बट आप सोना ना भूलें, क्योंकि जो 7 से 8 घंटे की नींद आपको 6-7-8 घंटे जितना आप लेते हैं उतना नींद तो लेंगे, ऐसा नहीं कि आप 3 या 4 घंटे की ही नींद ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। आप कॉपी तो उठाए बैठे हैं और पेज पलट रहे हैं, बट आपके माइंड में कुछ नहीं जा रहा है। सो यू शुड टेक प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स, जिससे तनाव भी थोड़ा कम रहता है। अब जैसे लास्ट का 1-1.5 महीना रह गया, अब आप मेंस के बारे में तो बिल्कुल ना सोचें कि मेंस के लिए मैं आंसर राइटिंग कर लूँ या कुछ। अब मेंस का प्रीलिम्स के बाद के लिए छोड़ दें, कि जैसे अगर आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो यू हैव इनफ टाइम। जैसे आप प्रीलिम्स दे के आएंगे, अपने आंसर्स को आप टैली करेंगे तो आपको अपना पता चल जाएगा परफॉर्मेंस के बारे में, देन यू शुड थिंक अबाउट मेंस, और आप अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका प्री निकल रहा है। बट नाउ दिस इज नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट मेंस एग्जाम, बिकॉज इट इज लाइक क्रिएटिंग अ बर्डन ऑन अवर सेल्फ, सो डोंट थिंक अबाउट दिस मेंस एग्जाम फ्रॉम नाउ टिल प्रीलिम्स। फिर बात आती है करेंट अफेयर्स की, तो मेरे हिसाब से जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो ज़्यादा पूछता है UPSC। अगर आपके करंट अफेयर्स नहीं हुए हैं तो आप नया कुछ करंट अफेयर्स पढ़ने में इतना समय नहीं लगाएं, कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। आप अब अगर आपको लग रहा है तो आप करंट अफेयर्स छोड़ भी सकते हैं, बट यू शुड स्टक टू द कॉन्सेप्ट, और जो आपको आता है आप उसी को और अच्छा करने की कोशिश करें। और जैसे लोकसभा इलेक्शंस की वजह से आपको एक्स्ट्रा कुछ दिन मिल गए हैं अपने प्रीलिम्स के लिए, तो यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम। और लास्टली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बट यू शुड नॉट पैनिक, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये भी एक अपनी लाइफ का फेस है कि अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर अपनी लाइफ का कुछ अन्य फेस आ जाएगा आगे, फिर अलग फेस आ जाएगा, तो आप मतलब इतना ज़्यादा पैनिक ना हो। समय के साथ सब चीज़ें सही हो जाती हैं, आपको लग रहा है कि मतलब परिस्थितियाँ ख़राब हैं या कुछ भी, तो टाइम विल हील एवरीथिंग, तो डोंट पैनिक, क्योंकि अब जो समय रह गया हमारे पास वो पैनिक करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। बट इस टाइम जो पैनिक होता है वो स्वाभाविक है, सबको होगा। 98-99% एस्पिरेंट्स को तो अब लग रहा होगा कि पेपर आने ही वाला है, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ या कुछ भी, बट ये अब समय नहीं है पैनिक का। आप जिस स्थिति में हैं, जो टॉपर्स थे वो भी इस स्थिति में थे कि अपने प्रीलिम्स देने से पहले या अपने मेंस एग्जाम देने से पहले, कि यार मैं प्रीलिम्स के लिए तो अभी तैयार नहीं हूँ या मेरा कुछ छूट गया है, तो ठीक है जो छूट गया उसको छूट जाने दें। और मान लो अगर जैसे आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए मतलब परेशान ना हो, ठीक है। अगर UPSC नहीं हुआ लाइफ में तो हम और कुछ कर लेंगे, बहुत ऑप्शंस हैं। आप जो कि आप इतना पढ़ लिए हो UPSC के लिए, तो आपका एक माइंड सेट है वो और लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो चुका है, तो डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली डू वेल इन योर लाइफ।
आप अपना अटेम्प्ट ये सोच के दें कि हो या ना हो, मेरे से इतना ही हो सकता था, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं थी तो मैंने पढ़ लिया, नहीं हुआ तो वो ऊपर वाले की इच्छा है। और आजकल तो यार इतना टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, तो अपन अगर यूपीएससी भी नहीं हुआ तो अपन कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में ज़रूर कर लेंगे। सो जस्ट हैव फेथ इन योर कैपेबिलिटीज। बहुत हुआ ज्ञान, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, आप सबका ही सिलेक्शन हो मैं तो यही चाहता हूँ। थैंक यू ब्रेनियक आईएएस, विशेस यू ऑल द बेस्ट।